बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही प्यारी सी फ्रेल वाली 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाऊंगी। तो इसके लिए ये देखें, ये मैंने शटर लेस ली है, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ है। तो ये मैंने इसके लिए तकरीबन 2.25 मीटर फैब्रिक लिया ये फ्रॉक बनाने के लिए। तो पहले से इसके पीसेस मैंने अलग करके रख लिए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये मैंने इसकी जो बॉडी है उसका पार्ट अलग कर लिया था। इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। मैंने दोनों फ्रंट और बैक के पीस दोनों फोल्ड करके रखे हुए हैं। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है और लेंथ इसकी मैंने 10.5 इंच रखी है। सिलाई का मार्जिन सब कुछ इसी के अंदर है। जो इसके बाजू रखे मैंने, बाजू भी मैंने इसके डिज़ाइनिंग वाले फ्रेल वाले बनाने हैं। तो बाजू जो मैंने फ्रंट का हिस्सा रखा है वो मैंने रखा है 12 इंच और इसमें चुनर डालनी है। तो इसकी जो चढ़ाई रखी मैंने वो 8 इंच फोल्ड करने के बाद ठीक हो गया। जो इसका बैक का पार्ट है ये देखें, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रख के आगे ये फ्रेल वाले मैंने बाजू बहुत प्यारे से बनाने हैं। तो बैक का जो हिस्सा मैंने रखा है 7 इंच है, इसी में सिलाई का मार्जिन है और बाकी आप अपने बच्चे की बेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आप अपने बच्चे के हिसाब से कितनी बगल खुली तंग रखना चाहते हैं। तो मैंने ये 7 इंच के करीब रखी है क्योंकि अगर बाजू भी बनाएं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जी। तो यह इसके नीचे जो मैंने फ्रिल बनानी है उसके पार्ट ये देखे, मैंने इसको एक साइड से उतार लिए थे तीनों इसके फ्रिल के हिस्से। 3 फ्रिल में मैं ये बनाऊंगी फ्रॉक को। तो ये देखें, अगर मैं इसको जिस तरफ से अर्ज होता है उस तरफ से निकालते तो उसमें मुझे जोड़ लगाने पड़ते, तो मैंने जोड़ नहीं लगाई है। मैंने ये देखें, जिस साइड पे कन्नी बनी होती है, किनारी होती है, उस साइड पे, उस साइड से मैंने इसको फोल्ड करके उतार लिया है जितना मुझे चाहिए था। एक साइड से लंबा पीस मैंने उतार लिया तो उसमें से ये मेरी पूरी हो गई जो मैंने फ्रिल बनानी थी। ये देखें, ये फ्रंट और बैक की है, 4 पीस हैं, ये एक पीस हो गया और ये दूसरा पीस हो गया। और ये इसका तीसरा पीस हो गया। ये अब मैं आगे कर देती हूँ। ये देखिए, ये इसका तीसरा पीस हो गया, फ्रंट और बैक दोनों का है। तो सारे जो तीनों फ्रिल मैंने बनाई है, ये देखिए, किनारी मैंने ऊपर वाली साइड कर दी ताकि आपको समझ आए, ये मैंने किनारी वाली साइड से उतारा है क्योंकि दूसरी साइड से मुझे ज्वाइंट लगाने पड़ने थे। तो मैंने फ्रंट जस्ट किनारी वाली साइड से उतार लिया। तो अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट और बैक दोनों के पीस हैं, ये फोल्ड करके मैंने 4 फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये देखिए, तो पहले पीस की मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कितना रखा है। देखें, फोल्ड करने के बाद ये 20 इंच है। जब इसको इस तरह से मैं खोलूंगी तो ये 40 इंच टोटल सबसे नीचे वाला घेर बनेगा। और जो इसके नीचे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितना रखा है। ये देखें, ये मैंने 17 इंच रखा है। तो जब इसको मैं इस तरह से खोलूँगी, ये भी 4 फोल्ड है, खोलूँगी तो ये 34 इंच बनेगा। और ये सबसे नीचे वाला पीस, सबसे ऊपर वाला पीस है, ये सबसे नीचे लगेगा, ये सेंटर में लगेगा और ये ऊपर जो हमारी जॉक होती है, बॉडी होती है फ्रॉक की, उसके साथ ये मैंने अटैच करना। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, ये मैंने कितना रखा है। ये देखें, ये मैंने 14 इंच रखा है, 14। तो इसको जब मैं खोल के इस पर चुनट बनाऊँगी इस तरह से तो ये 28 इंच हो जाएगा। ये भी 4 फोल्ड है, फ्रंट और बैक के दोनों पीस। ये देखें इस तरह से, ये जो के साथ लगेगा, ये दरमियान का पैनल और ये एंड का, 3 में बनाऊंगी मैं, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाऊंगी। तो अब जो ये देखें, इसके जो ऊपर जो हमने तैयार करनी है, बॉडी बनानी है, उसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं सेट कर लूँ, ये लॉन फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका प्रिंट है। तीरा इसका मैंने रखना है 6 इंच, सिलाई का मार्जिन इसी के अंदर है 11 इंच, मेरा टोटल तीरा बनता है तो 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगा दूंगी, सेम इसी तरह से बगल का निशान
अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप बगल थोड़ी सी बड़ी भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों की बगल इतनी चल जाती है, इसको इतना ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 6 इंची मैं इधर बगल से निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसका एक स्क्वायर बॉक्स बना लूंगी, क्योंकि इससे कटिंग आसानी से हो जाती है। ये देखें, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से इसका बॉक्स बना लिया और ये इसकी गोलाई हो गई। यहाँ से इसको 1/2 इंच के करीब ही इस तरह से आपने डीप कट कर देना है, ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है। तो यहाँ से जो बगल का साइज है मेरा वो 15 इंच है, तो 15 का हाफ मैं 7.5 रखूँगी। यहाँ मैं 7.5 पर निशान लगा दूँगी और फिटिंग मेरी तकरीबन 13.5 इंच के करीब है, तो मैं 6 से 2 पॉइंट ऊपर ही निशान लगा दूँगी। ये देखिए इतनी मेरी फिटिंग पूरी आ जाएगी। यहाँ से भी इसको 1/2 इंच इस तरह से डीप कर देना है ताकि इसकी एक गोलाई में शेप आ जाए। और थोड़ी सी यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी। ये गला मुझे इतना ज़्यादा डीप नहीं बनाना, बस जैसे गले के साथ साथ राउंड शेप बनती है बस मैंने उतना ही बनाना है, क्योंकि जो मेरे कस्टमर हैं उनको ज़्यादा बैन और ये कॉलर वाले गले अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं राउंड गले के साथ साथ बना दूँगी। और डीप में रखूंगी 2.5 इंच। थोड़ी सी यहाँ मैं 1 इंच की स्लिट बनाऊंगी, जब मैं गला बनाऊंगी तब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो ये देखिए हमारा गला भी कट हो गया। तो ये देखें जस्ट मैंने रेडी कर ली है। अगर मैं फ्रॉक के अंदर रेडी करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको इसकी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी नुसरत फैशन एंड लाइफस्टाइल पर। तो ये देखें, ये इसकी मैं आपको लेंथ तो मैंने आपको बता दी थी, इसकी विड्थ मैं आपको मैंने शायद नहीं बताई, तो अब मैं बता देती हूँ। इसकी विड्थ मैंने रखी है ये 7.5 इंच है। तीनों जो पीस हैं उनकी इक्वल विड्थ रखी है मैंने। ये देखें अब इस पर पहले मैं सिलाइयाँ लगा के चुनट डालूंगी, 2-2 सिलाइयाँ लगानी है चुनट के लिए। तो ये देखें बाकी जो 2 इसके साथ के पीस हैं उन पर भी इसी तरह से मैं 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो ये देखें मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये पहले छोटे वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट, तो इस पर रख के मैं इसके चुने बनाऊंगी और इस पर सिलाई बनाऊंगी। आप ये फ्रॉक लॉन्ग में भी बना सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो। मैंने ये लॉन फैब्रिक में है, छोटी बच्ची की में है, इतनी ज़्यादा मैंने इसमें चुने नहीं बनाई हैं, मैंने नॉर्मल से चुनों के साथ जो बनाई बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये बनी हुई। तो ये देखें यहाँ तक इसको बस इसकी इस तरह से ये सेंटर के चुने मैंने सेट कर लेनी है हाथ से। नीचे वाला धागा खींच के हमेशा चुने बनाया करें। देखिए ये सेंटर का पीस मैंने साथ जोड़ लिया है, तो लाइट लाइट सी चुनों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी 3 लेयर में ये फ्रॉक बनेगी। यहाँ सेंटर में मैंने कट लगा लिया। अब ये तीसरा पीस है मेरे पास, इसको भी मैं यहाँ से रखूँगी और इसी तरह से इसके चुने सेट करके बना लेनी है।
ये धागा मैं निकाल दूंगी खींच के। ये वाला धागा भी निकाल दूंगी मैं। तो ये देखें काफी इसका खुला घेर बन जाना है। तो अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो ये देखें इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी। ये लेस भी लग गई हमारी। इसके सेंटर में कट लगाऊंगी पहले। इसको ये बॉडी के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखें इसको मैंने साथ ज्वाइंट कर लिया। अब इसका भी मैं नीचे वाला एक धागा खींच दूंगी तो ऊपर वाला धागा खुद ब खुद निकल जाता है। ये देखें अब इसके ऊपर भी मैं लेस लगा दूंगी। तो ये देखें फ्रॉक का खूबसूरत सा फ्रंट बन के रेडी हो गया है। तो बैक भी मैं इसी तरह से सेम रेडी करूंगी। तो ये देखें बैक भी मैंने रेडी कर ली। जो मैंने चेस्ट पर लगाई थी इधर बगल से जो कपड़ा मैंने निकाला था तो इसकी मैंने बैक पर इस तरह से डिजाइनिंग कर दी। बट तीरे पर तो तीरे की डिजाइनिंग का आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये देखें और पूरी ये फ्रॉक ये देखें उसी तरह से मैंने इसको भी रेडी कर लिया। तो फ्रंट और बैक को मैं ज्वाइंट कर लूंगी। तो ये देखें यहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने मगजी लगानी है और इसमें एक लूप लगानी है। तो ये देखें ये 1.5 इंच की मैंने रेप पट्टी कटिंग की है इस पर लगाने के लिए यहाँ पर। तो इस साइड पे मैंने 1/2 इंच के करीब छोड़ दिया है और इधर भी मैं 1/2 इंच के करीब बढ़ा के कपड़ा लगाऊंगी। तो ये देखें फोल्डिंग से पहले यहाँ पर मैं ये लूप्स लगा दूंगी। तो देखें यहां से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहां भी मैं इसको इस तरह से ओवरलैप कर दूंगी। ये देखें तो ये देखें गुम सिलाई में लूप्स लगा दिए मैंने इस तरह से। अब इस साइड पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। देखें मैंने लूप्स लगा दिया और बटन लगा के इसको इस तरह से रेडी कर दिया। यकीन करें अगर आप भी ईद पर अपनी बेटी की इस तरह से फ्रॉक बनाएंगे तो देखने वाले बाबा कर उठेंगे। ज़रूर बनाइएगा इस तरह से खूबसूरत सी फ्रॉक अपनी बेटी की। तो अब मैं बाजू रेडी करूँगी इसके। तो बाजू का जो नीचे ऊपर का पार्ट था उस पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इस पर सिलाई लगाऊंगी मैं। तो इस साइड पर भी सिलाई लगाऊंगी मैं। तो अब दोनों साइड पर मैंने लगा देनी है लेस।
तो ये देखे दोनों साइड पर मैंने लेस लगा ली इस तरह से। अब मैं यहाँ दो सिलाइयाँ लगाऊंगी चुनट बनाने के लिए। तो ये देखें सिलाइयाँ लगा दी मैंने। अब मशीन की चाल अपनी बारीक कर लेनी है। ये शोल्डर वाला पार्ट है तो इस तरह से इसके ऊपर आकर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये नीचे वाला धागा पकड़ के आपने चुनट बना लेनी है। तो ये देखें ये खूबसूरत सा बाजू बन के रेडी हो गया है। फालतू वो जो धागे हैं वो मैं कट कर दूंगी इस तरह से। यहाँ पर अगर लास्टिक लगाना चाहें तो लगा लें। मैं गर्मी है तो मैं ऐसे ही आगे से बाजू खुला रखूंगी। तो ये देखें इस तरह से मैं बाजू जोड़ लूंगी दोनों साइड पर। तो ये देखें दोनों साइड पर मैंने बाजू ज्वाइंट कर लिए। तब इसको मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड पर यहाँ से पकड़कर, और नीचे से फोल्ड करके मैं इस पर इसी तरह से लेस लगा दूंगी। तो मुकम्मल करके इसकी मैं ओवरऑल लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। तो इसकी जो चेस्ट कट डिजाइनिंग है इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इसके बाजू देखे मैंने इतने खूबसूरत से इसके बाजू बनाए हैं और इसके ऊपर एक एक मैंने ये मोती लगा दिया है। ये देखें इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये देखें इसकी बैक, जो इसकी बगल में से कपड़ा निकला था यहां से, वो कपड़े से मैंने बैक पर तीरे की डिजाइनिंग कर दी। ये देखें ऐसे लेस लगाकर, और ये मैंने दरमियान में कट लगा दिया ताकि गला पहनने में आसानी हो, और एक लूप्स लगाकर बटन लगा दिया। तो नीचे से देखें बैक पर मैंने लेसिंग लगाई इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बन के रेडी हुई है। तो आप भी पर इस तरह से अपनी बेटी की फ्रॉक जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।